हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद कुद्दूस, मल्टीटेक ई व्हीकल लैब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे पास महिंद्रा ट्रियो का एक कंट्रोलर आया है जो रिपेयर करने के लिए है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं आपको भी इसके बारे में कुछ जानकारी दे दूं। तो मैं इस पर एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बना रहा हूं, जिससे आपको महिंद्रा के कंट्रोलर के बारे में कुछ नॉलेज मिल सकता है, अगर आप इसे ध्यान से वीडियो को देखेंगे तो। इसका पहला वीडियो मैं बना चुका हूं, उसे भी आप देख चुके होंगे। अब इसका दूसरा पार्ट, जो कि मॉस्फेट विभाग होता है, उसके बारे में मैं आज बताने जा रहा हूँ। आप इस वीडियो में सीखेंगे कि महिंद्रा के अंदर जो मॉस्फेट होता है, कितने मॉस्फेट होते हैं, कौन कौन से अपर चैनल कौन है, लोअर चैनल मॉस्फेट कौन है, इसको हम कैसे पता करते हैं, ये जानकारी दी जाएगी। और इसका कनेक्शन कहाँ जाता है, उसका कनेक्शन कैसे होता है, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। तो आप ध्यानपूर्वक से इस वीडियो को देखेंगे तो आप इसको समझ पाएंगे, क्योंकि आने वाला यही युग है, ये अब बहुत तेज़ी से फैल रहा है। अगर आप इसमें अपना लाइफ बनाना चाहते हैं, ये अभी कंपटीशन इसमें बिल्कुल नहीं है। अगर आप यहाँ से अच्छी तरह से सीख के जाएंगे तो बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि ई व्हीकल का ज़माना आ चुका है और धीरे धीरे लोग पेट्रोल वाली गाड़ी बंद करके अब जो है इलेक्ट्रिक बाइक के ऊपर आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल रिक्शा के ऊपर आ रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कार के रूप में आ रहे हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से सीखेंगे तो बहुत अच्छा तरीके से आप पैसे कमा सकते हैं। तो चलते हैं, अब इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग इस कंट्रोलर के बारे में जा रहे हैं। जो नीचे जो मॉस्फेट का बोर्ड है, ये जो आप देख रहे हैं आपके सामने, मैंने इसे रीओपन किया है। आप ये देख सकते हैं कि इसमें बहुत सारे मॉस्फेट लगे हुए, चारों तरफ आप मॉस्फेट देख रहे हैं। साथ ही साथ ये कनेक्टर्स हैं जिसमें मोटर के वायर भी होते हैं और बैटरी की सप्लाई भी दी जाती है। तो सबसे पहले हमें इस कनेक्टर के बारे में जानना होगा कि इसका नाम क्या है या किस कनेक्टर का नाम क्या है। इसे जानने के लिए सबसे पहले हमें इसकी सप्लाई और ग्राउंड, यानी बैटरी की सप्लाई और ग्राउंड किस कनेक्टर पर देना है, ये हमें जानना है। तो कैसे जानेंगे, इसके लिए हमें क्या करना होगा। यहाँ पे आप कैपेसिटर देख रहे हैं, ये जो इनपुट फिल्टर कैपेसिटर्स हैं, इसके माइनस को पकड़ना होता है और माइनस के ऊपर आपको ब्लैक प्रब रख करके हम जान सकते हैं कि किस कनेक्टर का नाम क्या होगा। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस साइड में माइनस है, तो माइनस पे हम एक प्रब कोई भी रख करके, ये जो आप पांच कनेक्टर देख रहे हैं, इस पर हम चेक करेंगे और चेक करेंगे कंटिन्यूटी शो करनी चाहिए। तो एक बार देख लें, बजर पर मैंने सेलेक्ट किया है। अब हमें इसको टच करके देखना है तो माइनस हमें मिल जाएगा, जो माइनस होगा वो शो कर जाएगी। थोड़ा सा इसमें गम लगा होता है तो बड़े प्यार से देखना होता है कि कौन किससे बोल रहा है। यहाँ पे बोल दिया, यानी बजर शो कर गया, बजर शो कर गया, इसका मतलब है हमें माइनस मिल गया। इसका मतलब है कि माइनस टर्मिनल हमारा ये रहा, जैसे आप देख रहे हैं, यानी इस पर बैटरी का माइनस जोड़ेंगे। अब सवाल उठता है कि इसका प्लस कौन है, तो इसी के हम प्लस पॉइंट पे रखेंगे मल्टीमीटर का एक प्रॉब। कहने का मतलब है कि जो यहाँ पे कैपेसिटर है, इस कैपेसिटर के प्लस पॉइंट पर हम एक टर्मिनल रख करके देख सकते हैं कि कौन सा प्लस है। इसके लिए हमें, मैंने एक कैपेसिटर के प्लस पे रखा और ये देखिए ये मिल चुका है, यानी ये वाला टर्मिनल प्लस है। कहने का मतलब है कि ये टर्मिनल हमारा प्लस है, ये देखिए कंटिन्यूटी यहाँ से आ रही है, यानी प्लस, और ये वाला टर्मिनल माइनस, यानी ये प्लस और ये माइनस। तो ये प्लस और माइनस टर्मिनल हमें मिल चुका है, और बाकी ये तीन वायर्स हैं या तीन कनेक्टर्स हैं, इसमें हम मोटर के वायर जोड़ सकते हैं। तो ये माइनस टर्मिनल, ये प्लस टर्मिनल, यानी बैटरी का प्लस यहाँ जुड़ेगा, बैटरी का माइनस यहाँ, और उसके बाद ये मोटर के वायर्स हो गए, यानी यहाँ पे हम वायर्स पे हम मोटर के वायर जोड़ेंगे। तो अब हमें ये देखना है कि क्या इसमें मॉस्फेट शॉर्ट है या नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि ब्लैक, यानी अब हमें क्या करना होगा कि ये जो माइनस का टर्मिनल है
यहाँ पे रेड वायर रखना है और मल्टीमीटर को डायोड के रेंज पर, और डायोड के रेंज पर रखने के बाद अब हमें इसका इम्पीडेंस लेना है तो क्या इक्वल आना चाहिए ओम। जैसे आप देखिए लगभग 400 ओम आ रहा, तो इसमें भी 400 ओम और इसमें भी 400 ओम, यानी इक्वल आ रहा 399। तो एक दो आगे पीछे आए तो कोई दिक्कत नहीं, इसका मतलब है कि मोटर के वायर में शॉर्टिंग नहीं है, हम आसानी से इस तरह से पता कर सकते हैं। तो मोटर के वायर्स 1, 2 और ये 3, फिर से एक बार देखें, ये 398, यहाँ पे आया 400 और यहाँ पे आया 400 आ रहा है। तो इसका मतलब ये तीनों मोटर के वायर हैं, बाकी ये माइनस और ये प्लस। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इसका मेन मॉस्फेट और सपोर्टिंग मॉस्फेट कौन है, या अपर मॉस्फेट कौन है और लोअर मॉस्फेट कौन है, ये हम कैसे पता करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सा है कि आप इसके प्लस पे, यानी ये जहाँ पर आप प्लस जोड़ेंगे बैटरी का, वहाँ पे एक प्रॉब कोई भी रखिए। जैसे ये प्लस है, यहाँ पे मैंने रख दिया, और रखने के बाद हम मल्टीमीटर को बजर पे सेलेक्ट करेंगे और सभी मॉस्फेटों के ड्रेन पर प्रॉब रखेंगे बारी बारी से। ये जो आप देख रहे हैं, यहाँ बहुत सारे लगभग 30 मॉस्फेट हैं इसमें, इसके ड्रेन पर हम टच करें। ये बॉडी है या बीच वाला पिन ड्रेन होता है उस पर रख सकते हैं या बॉडी पर रख सकते हैं। तो जो जो बजर बताए बोलेगा उसे मेन मॉस्फेट कहा जाएगा या अपर मॉस्फेट कहा जाता है। जैसे कि देखिए इस पे आया, मैं लगातार रख रहा हूँ, सब पे बजर आ रहा है, यहाँ यहाँ, तो यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट करें तो यहाँ तक आ रहा है। ये 15 मॉस्फेट एक साथ अब यहाँ पे नहीं आ रहा, इसका मतलब ये है ये सीरीज अलग है। ये इस सीरीज यहाँ से देखिए, यहाँ पे कोई बजर नहीं आ रहा किसी पे, तो ये लोअर चैनल माना जाएगा या सपोर्टिंग मॉस्फेट माना जाएगा। लेकिन यहाँ से आपको बजर देख रहे हैं, सब पे बजर आ रहा है, यानी ये अपर मॉस्फेट कह सकते हैं या मेन मॉस्फेट कह सकते हैं, और उसका अपोजिट सपोर्टिंग मॉस्फेट होगा। तो सपोर्टिंग मॉस्फेट भी जानने का तरीका मैं बता रहा हूँ कि सपोर्टिंग मॉस्फेट कैसे पता करें। तो आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि माइनस कौन है। जैसा कि माइनस ये है, तो यहाँ पे हम माइनस पे हमने एक रख दिया, और माइनस पे रखने के बाद अब हमें माइनस का टर्मिनल एक बार कंफर्म कर लें। जैसे एक कैपेसिटर का माइनस ले लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था, कैपेसिटर का माइनस कंफर्म कर लें, यहाँ पे आना चाहिए, आ गया माइनस पे। आ गया, इसका मतलब ये माइनस हमने ठीक रखा है कि माइनस ये। अब यहाँ पे इसके सोर्स पकड़ने पड़ते हैं, सोर्स सोर्स पे आप रखिए तो आपको बजर आना चाहिए। देखिए ये सोर्स यहाँ से चले, यहाँ से सोर्स देखिए, यहाँ नहीं बोल रहा, यानी ये था क्या मेन मॉस्फेट, और इसके सोर्स पे बजर आ रहा है तो सपोर्टिंग मानी जाएगी। इसको हमें यहाँ रख देता हूँ जिससे आप आसानी से देख पाएंगे। यह सोर्स पता, ये देखिए सोर्स, ये सोर्स 2 मिल गया हमें, और उसी तरह से इसके सोर्स पे देखना है, सोर्स सोर्स ये सोर्स, ये सब पे बजर आ रहे, तो ये क्या है सपोर्टिंग या लोअर चैनल मॉस्फेट कह सकते हैं। तो ये सारे के सारे सोर्स, ये 15 के 15, यहाँ पे भी देखिए यहाँ तक, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये 15 जो मॉस्फेट लगे हुए हैं जो सपोर्टिंग मॉस्फेट है। इस तरह से हम मेन मॉस्फेट और सपोर्टिंग मॉस्फेट पहचान सकते हैं। लेकिन इसका गेट, अब दोस्तों इस साइड देखते हैं, जो इन सभी मॉस्फेटों का गेट एक लो वैल्यू रजिस्टर के द्वारा जुड़ा होता है, जैसे आम कंट्रोलर में होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये आप एक 6 पिन का आईसी देख रहे हैं। तो इसका गेट पहले, इस मॉस्फेट का गेट इस 6 पिन की आईसी में आता है, और फिर इसी के दूसरे पिन से वो पहुंचता है इस कनेक्टर्स पे, इन कनेक्टरों पर।
तब जाकर के मेन बोर्ड में जाता है जहाँ से ड्राइव सिग्नल आती है। तो इस आईसी को क्या कहते हैं? तो इसका जवाब है, इस आईसी को एसओटी कहा जाता है। एक तरह से एसओटी इसका नाम होता है। देखिए यहाँ पे एक लगा है, फिर यहाँ पे और फिर यहाँ, तीन यानी पांच मॉसफेट पे एक एसओटी यूज की गई है। टोटल जो 30 मॉसफेट है, तो अगर मैं इसको दो हिस्सों में बांटूँ, तीन हिस्सों में बांटूँ, तो क्या बनता है, जो पांच पांच मॉसफेट बनते हैं, तो उसके हिसाब से ये एक तरह से सिग्नल को एम्पलीफाई करता है और एम्पलीफाई करके गेट पे पहुंचा देता है। तो ये एसओटी एक, दूसरा और तीसरा। ठीक उसी तरह से लोअर चैनल में भी फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये सब एक ही नंबर के होते हैं। और जब इस कनेक्टर के द्वारा जो लॉजिक कार्ड से आएगा या कंट्रोलर से आएगा, वो पहले सिग्नल यहाँ आएगा, फिर ये इस एसओटी पे जाएगा, एसओटी के द्वारा फिर इसके दूसरे पिन से इसके गेट पे जाएगा, जिससे ये मॉसफेट एक्टिव हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में जो मॉसफेट विभाग है उसके बारे में आप देखा है। मैंने इसको शॉर्ट वीडियो बनाया है क्योंकि आप इसको शॉर्ट में समझिए, लेकिन ब्रीफ के लिए आपको एक बार मल्टीटेक ज्वाइन करना होगा, आना होगा, मुझसे मिलना होगा। इसके बारे में मैं बहुत अच्छी तरह से बता सकता हूँ और आप बहुत अच्छी तरह से सीख भी सकते हैं। या आप किसी भी तरह का चार्जर जो आपका डिमांड हो, उस तरह का मैं चार्जर आपको बहुत अच्छी तरह से स्कीमेटिक डायग्राम के साथ बता सकता हूँ। और चाहे वो कंट्रोलर भी है, तो कंट्रोलर चाहे आप किसी भी तरह का सीखना चाहते हैं, तो एक बार मल्टीटेक इंस्टीट्यूट जरूर ज्वाइन कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।